सो हे गाइज अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल याइज इस वक्त सीबीएसई जो है वो टर्म वन एग्जाम्स को लेकर के मुझे लगता है कि क्लैरिटी देने के बजाय कंफ्यूजन्स को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और ये कंफ्यूजन जो है वो सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा पेरेंट्स के साथ साथ में टीचर्स स्कूल्स सभी जो है वो इसमें फंस जाएंगे बहुत बड़ा अपडेट है गाइज इस वीडियो के अंदर में सो so, प्लीज वीडियो को अंत तक देखना है स्किप नहीं करना है बिकॉज वी आर ब्रिंगिंग एवरीडे हर दिन हम आपके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट है टर्म एग्जाम्स के रिगार्डिंग वो हम लेकर के आ रहे हैं और ना सिर्फ सीबीएसई बल्कि सी बोर्ड का जो सेमेस्टर वन है उसके रिगार्डिंग भी हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं जो कि आपके लिए जाना जरूरी भी है और इस बार जो इतने ज्यादा अपडेट्स निकल रहे हैं इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़े हैरान हैं कि भाई इतना ज़्यादा अपडेट्स कहां से आ रहा है क्यों आ रहा है ये होना एकदम कॉमन चीज था गाइज क्योंकि सी

बार क्यों दे दिया गया है जबकि इस वक्त निक टाइम है लास्ट स्टेज पे हम खड़े हैं और बच्चों को प्रिपरेशन की समय मिलनी चाहिए बच्चे अभी होमवर्क असाइनमेंट प्रोजेक्ट वर्क्स बना बना के सबमिट करने पे लगे हुए हैं जो कि बहुत ही सीरियस मैटर है बच्चे न्यू तरीकों से डील कर रहे हैं इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है और सबको बताए एक बच्चे से बच्चे को भी अगर मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एमसीक्यू क्वेश्चन एक्सरसाइज के लास्ट में पूछे गए हर चैप्टर के लास्ट में पूछे गए दो चार के से एमसीक्यू नहीं आ सकता एमसीक्यू होता है पूरे चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि कहीं से भी आ सकता है मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से वर्कलोड बढ़ा है हाँ उन्हें डिटेल सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं लिखना पड़ेगा बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना पड़ेगा 150 वर्ड्स में नहीं लिखना पड़ेगा लेकिन उसके लिए उन्हें कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए तो अभी ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और अभी जब ये सब बात चल रहा था अभी अभी जो मैं आपको अपडेट दूंगा, आप से पहले, मैं दोनों बोर्ड की बात कर रहा हूं आपने अभी प्री बोर्ड दिया, दिया होगा हो चुका होगा या हो रहा होगा ठीक है ये शॉकिंग है पूरे YouTube पे कहीं नहीं है हमारी टीम ने मैंने कल आपको शाम को जो वीडियो डाला था मैंने कहा था एक बात का कंफर्मेशन हम ले रहे हैं कंफर्मेशन सुबह तक आ जाएगा आएगा मैं आप तक वीडियो पहुंचा दूंगा इट्स शॉकिंग सेकेंड प्री बोर्ड आमतौर पे क्या होता है या आप लोगों को भी शायद क्लास टेन ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि प्री बोर्ड जो होता है वो आमतौर पर एक ही बार होता था और वो बोर्ड एग्जाम के पहले होता था एक महीना पहले यानी कि आप कह सकते हो कि प्री बोर्ड खत्म होने के बाद में एक महीना बाद में आप बोर्ड एग्जाम को फेस करते थे ठीक है इट वॉज डन नॉर्मल केसेज में ये बिल्कुल ठीक था लेकिन अभी क्या है सीबीएसई ने अभी अभी एक प्री बोर्ड लिया आपके सेमेस्टर वन या टर्म वन एग्जाम के पहले और अब सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड इस बात को कंफर्म कर चुकी हैं कि आपका सिर्फ एक बोर्ड नहीं होगा प्री बोर्ड दो प्री बोर्ड्स होंगे और दूसरा प्री बोर्ड आपका होने वाला है जनवरी या फरवरी में अभी गौर करो हम लोग रोज बात उठा रहे हैं कि टर्म वन तो जैसे तैसे निकल रहा है चलो निकल रहा है लेकिन टर्म टू के लिए पढ़ने के लिए समय कहां है आपके एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं दिसंबर तक में ठीक है गौर कीजिए अब आपके पास में दिसंबर खत्म हुआ तो ओनली जनवरी फरवरी बचा मार्च अप्रैल में तो आपके एग्जाम्स हैं टर्म टू के या सी बोर्ड की भाषा में बात करें तो सेमेस्टर टू के एग्जाम्स हैं मतलब दो महीना में आपको फिफ्टी परसेंट सिलेबस खत्म करना है हर सब्जेक्ट का और अब आ गया क्या लफड़ा कि अब आपको एक रिबोर्ट भी फेस करना है प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल तो था ही था इंटरनल असेसमेंट्स थे थे प्रोजेक्ट वर्क थे थे असाइनमेंट्स थे थे मतलब सब कुछ मौजूद था और अब ये सेकंड प्री बोर्ड का लोड तो प्रिपरेशन कैसे होगा अच्छे ढंग से टीचर्स का कहना है हमने कुछ स्कूल के प्रिंसिपल से बात किया थोड़ी देर पहले तो आ, मैंने जब बात किया तो कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स का कहना था मिक्स रिस्पॉन्सेस थे मैं आपको पहले तो बता दूं कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स बोल रहे थे सर इससे बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है प्री बोर्ड होता है तो उनको पैटर्न समझ में आ जाएगा थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि समय कहाँ है बच्चे बच्चों के पास पढ़ने के लिए तो वो भी इस बात के लिए एग्री हुए कि समय नहीं है लेकिन सर क्या करें ये तो सी का मामला है सी की तरफ से ऑर्डर्स आते हैं हम लोग तो एफिलेटेड स्कूल्स हैं हमें तो करना पड़ता है सो दिस इज़ लाइक दैट अब आप लोग खुद सोचो कि कितना चीज यहां मैटर्स भरा हुआ है अभी तक एग्जाम सेंटर चेंज का लिंक नहीं पहुंचा है जो बच्चे एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं वो लिंक का वेट कर रहे हैं वो क्या करें बच्चे मुझसे पूछते हैं बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बोल दूं अगर आप एग्जाम सेंटर लिंक एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हो आप अपने होम टाउन में करवाना चाहते हो तो डू वन थिंग आप एक एप्लीकेशन एडवांस में लिख लो और एडवांस में लिख करके आप लिख कर प्रिंसिपल को आ, वो आ, आप कोट करो और वहाँ पे सीधा सीधा वहाँ पे आप करते हुए बोलिए बताइए ऐसा ऐसा रीज़न है हम फलाना जगह में आ चुके हैं वहाँ पे आपने सर्टन स्कूल का नाम भी बता दीजिएगा जहाँ पर आप एग्जाम सेंटर चेंज करवाना चाहते हैं और वो आप वहाँ पर अपने एक फोटो निकाल लेना एक कॉपी अपने पास रखना और एक कॉपी अपने स्कूल्स को भेज दो ठीक है उसके बाद में स्कूलों की जिम्मेदारी होगी क्योंकि लिंक आपको नहीं भरना था लिंक भरना था स्कूलों को तो स्कूल की जिम्मेदारी है वो अपना चीज को समझेंगे ठीक है लेकिन गाइज अभी आप लोग मुझे लगातार जो अपना समझ करके जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास में सर लोड है सर बर्डन है सर इतना है सर अपने रूटीन को नहीं पढ़ पा रहे के मुझे बहुत खराब लग रहा है स्कूल्स मस्ट थिंग अगर बच्चे हमसे इतना ओपन होकर के अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं इश्यूज को डिस्कस कर सकते हैं तो जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में उन टीचरों के साथ में उन प्रिंसिपल्स के साथ में तो मेरे ख्याल से और एक क्लोज रिलेशन होना चाहिए था बट मिसिंग है और सीबीसी को मेरे ख्याल से अगर चाहता है सीबीसी की भारत का सबसे बड़ा बोर्ड और सबसे रेस्पेक्टेड बोर्ड बना रहे तो उनको भी समझना चाहिए कि किन चीजों की जरूरत कहां पर है कौन से चीजों का इंपॉर्टेंस कितना है असाइनमेंट प्रैक्टिकल में आपको बता दूं यह आज का कहानी नहीं था यह जुलाई में सर्कुलर निकला था जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर

आप तक नहीं अपलोड करते हैं जब तक कि हमें कंफर्मेशन ना हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज याद रखिएगा आपके किसी भी कंडीशन किसी भी स्थिति पे निपटने के लिए हम लोग मौजूद हैं क्लास नाइन टेन लेवन ट्वेल्व चारों क्लासेस के हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं आपकी पूरी तैयारी हम करवाएंगे आपको पूरा नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई रुपीज कोई चार्जेस नहीं देना है एक रुपया भी नहीं देना है पीडीएफ में आपको नोट्स मिल रहा है वीडियो देखो पीडीएफ से डाउनलोड करो अब बहुत सारे दे रहा हूं आ, मतलब चैनल के अंदर में प्लेलिस्ट हर सब्जेक्ट का और क्लास वाइज तो आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो बने रहिए मेरे साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा अपने इश्यूज को अपने प्रॉब्लम्स को एंड एक लास्ट चीज जो हम हमेशा बोल रहे हैं आई सपोर्ट यू सर ये भी लिखिएगा और प्लीज यार वीडियो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि आप लोगों का ग्रुप जो है वो बड़ा बने अगर कोई इश्यूज हो तो हम भी आपकी बात को मेजर रूप से उठा सके कौन चैनल कितने चैनल उठा रहे हैं आप जरा नोटिस करते हो कभी आप लोग अभी एग्जाम कैंसिलेशन हुआ नो बडी वॉज सिर्फ एक दो चैनल थे और कोई नहीं था सो प्लीज सपोर्ट अस आगे आपके हाथ में है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत